रामपुर में आज केमिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें रामपुर के सभी केमिस्टों ने भाग लिया। इस दौरान सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। केंद्र सरकार ने ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल 1945 के संशोधन करते हुए दवाओं की बिक्री के जारी लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रक्रिया सरलीकरण कर दिया है और इस प्रक्रिया का नाम नवीनीकरण से बदलकर रिटेंशनल कर दिया है। अब दवा के दुकान को अपने लाइसेंस के रिटेंशन फीस को समय पर भरकर जमा किए हुए चालान को अपने पास ही रखना है। औषधि निरीक्षक को दुकान के निरीक्षक के समय दिखा देना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन केंद्र सरकार के संशोधित कानून को मानने से इनकार कर रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को आयुक्त महोदय ने उत्तर प्रदेश के सभी औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों को पत्र लिखा है। प्रदेश में जिन विभागों को कंप्यूटरकरण हुआ है, बैंक, ट्रांसपोर्ट, बिजली कॉरपोरेशन आदि, उन्होंने ये काम खुद किया है। ये आज रामपुर आने के पीछे उद्देश्य था। इस समय दवा में 27 अक्टूबर 2017 को मोदी जी ने जो एक्ट में नोटिफिकेशन चेंज किया, उसके अनुसार पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण की प्रक्रिया ख़त्म करते हुए रिटेंशन की प्रक्रिया की और एक्ट में यह संशोधन किया, रूल में यह संशोधन किया कि आपको खाली फीस जमा करनी है, ना आवेदन करना है, ना विभाग रसीद देगा, ना सर्टिफिकेट देगा। लेकिन FDA का वर्तमान डिपार्टमेंट एक्ट को मानने को तैयार नहीं हो रहा, सेंट्रल एक्ट। दूसरा, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि पुराने लाइसेंसी अपने लाइसेंसों को पोर्टल पर फिर से रीलोड करें। उनसे आग्रह किया गया कि लाइसेंस आप देते टाइम जो फाइलें जमा हुई थी उनको आप चढ़ाइए। बैंक वालों ने खुद चढ़ाया, ट्रांसपोर्ट ने खुद चढ़ाया, कॉरपोरेशन ने खुद चढ़ाया, तो आप भी चढ़ाइए। बोले नहीं चढ़ाइएगा तो हम आपके लाइसेंस निरस्त कर देंगे। उस पर भी हम लोग ये अड़े गए कि हम लोग पोर्टल पर नहीं चढ़ाएंगे। 3 महीने का उन्होंने टाइम बढ़ाया है, लेकिन 3 महीने भी नहीं चढ़ाएंगे। विभाग को जो करना